बेटा साहब, मुझे जानकारी मिली कि आपने अपनी सिक्योरिटी हटा के और आप दिल्ली में ही हैं, आप अपने घर पे भी नहीं गए, तो मुझे लगता है देश के तमाम लोगों को आपसे भी सीख लेनी चाहिए कि इस मुश्किल भरे घड़ी में आप दिल्ली में ही बैठकर अपने घर भी नहीं गए और तमाम सिक्योरिटी को आपने हटा दिया। देखो मेरी बात सुनो, मैं बाहर से आया, अब मेरा चंडीगढ़ अमृतसर परिवार है जी, मैंने वहां जाना था, मेरे बच्चे, मेरा परिवार है, मेरा, मैं कहूं मैं उनके पास टाइम गुजारता हूं, हम बाहर टूर पे देश के लिए रहते हैं। जब मैं आया, मैं जाने लगा, अब मेरे साथ जवान चलते हैं काफी ज्यादा, 15 भी हैं, 20 भी हैं, 25 भी हैं, 30 भी हैं। मेरे मन में एक विचार आया, मैं तो चले जाऊंगा, मैं तो घर के अंदर बंद हो जाऊंगा, जैसे यहां हूं मैं चले जाऊंगा, पर मेरे जवानों का क्या होगा? मेरे जवान खाना कहां से खाएंगे? मेरे जवान जहां रुकेंगे वो जगह सेफ है या नहीं है? मेरे जवान जहां चाय पीने जाएंगे वहां किसी को कोरोना हुआ, एक जवान, दूसरा जवान, चौथा जवान, ये तो लाइन लग जाएगी। मैंने कहा नहीं, अपने घर से दूर रहूंगा, अपने बच्चों परिवार से, भाई बहन से दूर रहूंगा, मैं यहीं अकेला रह लूंगा। मैंने फैसला लिया, अपने लिए नहीं लिया, देश के लिए लिया। नरेंद्र मोदी जी का जब संदेश आया, जब टीवी पे देखा, हमने फैसला किया, हमें जवानों ने कहा, हमारे अधिकारियों ने कहा ये सुरक्षा आपके लिए रहेगी इधर, मैं कहा मैं लिख के दे रहा हूं ये सुरक्षा यहां नहीं रहेगी, इमरजेंसी हुई 2 घंटे पहले बताऊंगा। और जब तक नरेंद्र मोदी जी का ये आदेश टीवी पे नहीं आता, हम बिल्कुल क्लियर साफ हैं, मैं उतनी देर जवानों को नहीं बुलाऊंगा। जो मेरी सुरक्षा है, रक्षा के लिए कोठी के अंदर वो है, उसमें हटी नहीं, पर जो मेरे साथ चलती थी मैंने सब छोड़ दी। मैं और भी पॉलिटिशियनों को कहूंगा, जनाब मैं देख रहा, जब थालियां बजा रहे थे नरेंद्र मोदी जी के हुक्म को लेके, घंटियां बजा रहे थे, तो हम लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पावरफुल लोग, हम घंटियां तो बजा रहे थे, बजाओ ना, अकेले कौन मना करता है, परिवार के साथ बजाओ ना, पर पीछे सुरक्षा को खड़ी किया आपने, क्यों जवानों को खड़ा किया? जब हमने वापस किए क्यों नहीं वापस किए? आप अपने घरों में बैठिए। ये टीवी के अंदर आज के टाइम पे याद रखना, ये चैनलों के अंदर सामान बांटने वाले की फोटो, फलाने की फोटो, फोटो चलेगी आज, पुलिस वालों की फोटो, फोटो चलेगी आज, डॉक्टरों की फोटो जो अपने बीबी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ करके हमारी रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए मौत के साए में खड़े हैं, फोटो चलेगी आज उनकी मास्क के बगैर। आज सफाई सेवक गंदगी उठा रहा है, इस भारत माता को पवित्र कर रहा है, मानवता को बचा रहा है, आज टीवी पे फोटो चलेगी उनकी, आज टीवी पे नेताओं की फोटो नहीं चलेगी, आज टीवी पे नरेंद्र मोदी का संदेश चलेगा। ये जो आज पॉलिटिशियन ड्रामे कर रहे हैं टेलीविजन के अंदर, ये राष्ट्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं।